तो गाइस यार, क्या आपको पता है स्काईलॉर्ड इस दुनिया में नहीं है? जो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे YouTube कम्युनिटी से एक बंदे की मौत हो चुकी है। बहुत दुख होता है जब हमारे कम्युनिटी से कुछ लोग हमारे दुनिया को, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चैनल है, गेमिंग चैनल है स्काई लॉर्ड, 15 लाख सब्सक्राइबर थे और ये अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ है, राइडिंग कर रहे थे ये भोपाल के पास, वहां पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जाते जाते इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी सभी क्रिएटर के लिए, तो वो बात मैं आपको सुनाना चाहूंगा, आप यहां पर सुन सकते हैं। वो दानिश जैन वाली बात हो जाती है, फिर बुरा मेरा फिर मुंह खुल जाएगा कि जब तक बंदा था तब तक तुमने सपोर्ट नहीं किया, जब वो नहीं है यूट्यूब पर नहीं है या फिर वो दुनिया में या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो फिर आ जाते हो कि यार मुझको कॉल करो, ये करो। तुमको बड़ी याद आती है उसमें ऐसे उसके मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे जो यूट्यूब छोड़ के चले गए, जल्दी हो गया उसको छोड़ गया, तब तुम कुछ नहीं बोलते थे। अब मैं उसका नाम ले दूंगा उस व्यक्ति का, तुम स्पैम करने लग जाओ, उसे कॉल करो, ये करो करो। जब इंसान रहता है ना, एग्जिस्ट करता है यूट्यूब पर हर जगह, सपोर्ट किया करो, अगर नहीं कर सकते ना तो फिर स्पैम मत किया करो, याद रखो। कि मरने के बाद भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, बनने के बाद ये चैनल, ये सब्सक्राइबर्स, ये नाम, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है। अब आप खुद समझिए कि उन भाई का जो चैनल है क्या हुआ, बताओ, सब खत्म ना है, एक चुटकियों में, सेकंडों में सब कुछ खत्म, जिंदगी बर्बाद, सब कुछ खत्म। तो बस यही कहना चाहूंगा कि यार बस एक दूसरे का सपोर्ट करते रहो यार, जब तक जिंदा हो तब तक जान है, तब तक सपोर्ट करते रहो, और तब मरने के बाद कौन याद करेगा, एटलीस्ट कुछ ऐसा काम करो कि लोग मरने के बाद आपको याद करें। तो ये बहुत ही दुख हुआ मुझे कि यार एक हमारी YouTube कम्युनिटी से एक बहुत बड़ा चैनल, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों में व्यूज आते थे, मिलियन में व्यूज आते थे और 15 लाख सब्सक्राइबर थे स्काई लॉर्ड, और ये भाई हमारी इस यूट्यूब की कम्युनिटी और इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार राइडिंग वगैरह अगर आप कर रहे हो थोड़ा संभल के करिए, और वैसे तो कब क्या होना है किसी को नहीं पता, कल क्या हो जाए किसको, कौन रहे ना रहे, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, लेकिन खुद से कुछ सेफ्टी लेके चले, अपने हेलमेट, पूरे किट, अगर आप लॉन्ग टूर में चल रहे हैं, हम भी जाते हैं तो हम भी लेके चलते हैं, सावधानियां बरतते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एक दूसरे का सपोर्ट करते रहो, बाकी कुछ नहीं, ये सब्सक्राइबर, ये पैसा, ये नाम चुटकियों में मिट्टी में मिल जाता है। और मैं उनके माता पिता, उनके परिवार वालों को दुख प्रकट करता हूं, उनको एक उम्मीद मिले, क्योंकि अब वो बच्चा तो दुनिया में नहीं है, अब कर क्या सकते हैं। लेकिन जो हमारी ये कम्युनिटी है, यूट्यूब कम्युनिटी है, काफी बड़ी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यूट्यूब पर काम करते हैं और कुछ कोई ना कोई मरता रहता है, लेकिन जो लोग फेमस होते हैं उनके बारे में हमें पता चल पाता है, जो लोग नहीं फेमस होते हैं जिनको कोई नहीं जानता है उनके बारे में कौन जानता है, कोई नहीं जानता। वही चीज है यार कि दुनिया जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बस काम करते रहो और बस सपोर्ट करते रहो, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहो, और सपोर्ट करने से कुछ नहीं हो जाता यार, जब अगर वो मर जाएगा तो उसके बाद उसके साथ सपोर्ट करने से क्या फायदा, बताओ, अब तो वो दुनिया में नहीं है यार, तो क्या मतलब आपके सपोर्ट करने का। तो बस वही है, जब तक जिंदा है इंसान तब तक तो उसकी मजबूरियां समझिए, और आपके क्या पता आपके सपोर्ट से उसकी जिंदगी बदल सके, बाकी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे हम, काफी दुख है हमें। और मैं अभी सो के उठा, मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि नहीं, इस चीजों के बारे में आपको बताना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारी ही कम्युनिटी है, हमारे ही यूट्यूब के कम्युनिटी है, तो अगर हमारी कम्युनिटी में ऐसा होता है किसी के साथ भी तो बहुत दुख होता है, ठीक है, आप समझते हैं ये एक फैमिली है, बाकी कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।